आजकल एक बहस चल रही है और आपको पता है इस्लामाबाद में चीज़ें आमतौर पे पहले अफवाह के तौर पे शुरू होती हैं, बाद में हकीकत बन जाती हैं। नंबर्स हमें नहीं समझ आएंगे कहाँ से आ सकते हैं, लेकिन एक गेम ज़रूर चल रही है कि टेनर पोस्टिंग कर दी जाए 3 साल की चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। अब अगर ये होता है, इसके हक में भी दलायल हैं, अगेंस्ट भी दलायल हैं, अगर ये हक में अगर ये हो जाए, नंबर्स किसी तरह 2/3 मेजॉरिटी की होती है इस खास पर्टिकुलर इशू पे, क्या सिटिंग चीफ जस्टिस साहब को ये कबूल करना चाहिए? बिकॉज फिर लगेगा कि शायद कोई पर्सनल फायदे के लिए किया है क्विड प्रो को, और अगर ये होता है या इसको नेक्स्ट चीफ जस्टिस अप्लाई होना चाहिए? देखिए नून लीग बड़ी कैलकुलेटेड बात करती है, दे वांट टू अवॉइड मंसूर अली शाह बिकमिंग, ये मेरे इतलाफ है, मंसूर अली शाह बिकमिंग चीफ जस्टिस एंड दे वांट टू अवॉइड या अफरीदी फ्रॉम बिकमिंग द चीफ जस्टिस एंड आयशा मलिक। अब इन तीनों को आप को 3 साल आज से दे दे, आपने उसको 3 साल दे दिए चीफ जस्टिस, वो रिजाइन करेंगे गालिबन 68 की एज, ये रिजाइन करेंगे 65 की एज, ये पहले पहुंचे जाएंगे चीफ जस्टिस ही बनेंगे और ये बेस्ट जजेस और ये चीफ जस्टिस ही बनेंगे और तो वो अपना चीफ जस्टिस 3 साल टेन्योर पोस्ट गुजार लेगा और उससे आगे जो चीफ जस्टिस आएंगे इनके पास वो कवर अप कर देंगे, इनकी फ्रस्ट्रेट कर देंगे अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ याया अफरीदी एंड आयशा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये तीन जजेस को नहीं चाहते पीएमएलएन वाले कि ये कभी चीफ जस्टिस बने, लेकिन ये 3 ईयर टेनर पोस्टिंग, ये तो 2/3 मेजॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये 3 साल टेनर पोस्टिंग हो सकती है? कोई और तरीका है इसको स्लाइड इन करने का? ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये मेरे ख्याल में इसलिए नहीं होगी कि मैं नहीं मान सकता कि काजी फैजी का खुद कुछ जैकेट पहन के आज बैठ जाएगा अदालत में और कहेगा कि बस 3 साल तो यहाँ चीफ जस्टिस, 3 साल इस तरह बैठना जिस तरह ये तो उस तरह बैठेंगे जिस तरह ये निगरान हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की चलाते रहे 90 दिन से ज्यादा, ये काजी फैजी साहब तस्लीम नहीं करेगा। ये इनकी ये कोशिश कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस न बने, ये नहीं इनको कामयाब होंगे, ये चाहते हैं कि इस किस्म के जजेस जो असल में लाए मंदोखेल साहब, ये है आयशा मलिक, मुनीब अख्तर, इन्होंने टारगेट किए हुए जजेस और बड़ी क्लेवरली इन्होंने इसका किया हुआ है कि ये जब अगर एक राज एहसन 3 साल के लिए हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, वो इस दिन रिटायर होगा, 3 साल पूरे कर लेगा, उन 3 सालों के दौरान मालिक जस्टिस मालिक भी रिटायर हो जाएगा और जस्टिस अतरमिल्ला भी रिटायर हो जाएगा। ये बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं और पर इनकी चलेगी नहीं, क्योंकि जजेस आई डोंट थिंक आवर चीफ जस्टिस विल हैंकर फॉर 3 साल के लिए, वो जिनको सुपर सीज करके और जिनका करियर खत्म करके चीफ जस्टिस बनेंगे वो भी साहिब राय हैं और कलम चौसा। लेट्स होप यू आर राइट, लेकिन मेरा वही था वेरी क्विकली, ये और तो कोई पॉसिबल नहीं है तरीका सिवाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर। चल चौधरी आजाद साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ना चीज़ें चल रही हैं इस्लामाबाद में और जितनी मर्जी प्रपोस्टर्स लगे आपको, ये हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं और बातचीत भी चल रही है, बट 2/3 मेजॉरिटी एक ऐसा इस वक्त एलूसिव सी टारगेट है, लगता नहीं कि उस पर हो पाएगा। मगर पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मौक़ों पर पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे होके कभी एक्सटेंशंस, कभी फलाना रिटेंशंस, उन पर ऐसे ऐसे लॉज पास किए हैं जो वैसे कभी इकट्ठे नहीं होते। लेट्स होप कि इस बारी भी खुद जजेस लॉ का सोचेंगे, कानून का सोचेंगे, अपने मुस्तकबिल का नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का सोचेंगे।
और किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।